गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज अ लेसन नंबर टू, कीपिंग सेफ एंड दिस इज अ टेक्सचुअल एक्सरसाइज. नाउ ओरल क्वेश्चंस, दिस इज सेक्शन ए ओरल क्वेश्चंस. टॉक अबाउट टू सेफ्टी रूल्स दैट यू फॉलो टुडे व्हाइल कमिंग टू स्कूल. आई क्रॉस द रोड थ्रू जेब्रा क्रॉसिंग. आई वॉकड ऑन द फुटपाथ. मैंने रोड जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू क्रॉस किया है और मैं फुटपाथ पर चल रहा था. वाई शुड वी नॉट प्ले ऑन द रोड? बिकॉज टू अवॉइड एक्सीडेंट्स. हम रोड पर इसलिए नहीं खेलते हैं क्योंकि हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है. नाउ साइंस क्विज़, नेम टू थिंग्स दैट वी मस्ट नॉट टच एज दे कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक. हीटर और हॉट आयरन. हीटर है, हॉट आयरन है, सो उससे हमें नहीं खेलना चाहिए. नाउ विच साइड ऑफ द रोड शुड वी स्टे वाइल राइडिंग अ बाइसिकल? ऑन लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड पर हमें बाइसिकल को राइड करना चाहिए जब हम रोड पर राइड कर रहे हो बाइसिकल को. नेम एनी टू थिंग्स दैट आर कैप्ट इन द फर्स्ट बॉक्स. बैंडेज एंड एंटीसेप्टिक लोशन. दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ. वी शुड शार्पन आवर पेंसिल विद अ शार्पनर. वी शुड यूज ए एंड टू क्रॉस द रोड. सबवे और ओवरब्रिज. सो any of this. Now circle the things that can harm you. Hot iron, bed or tree. So hot iron. Toy, friend, electric socket. Electric socket जो है वो हमें harm कर सकता है. Pencil, gas stove और book. So gas stove. Now fill in the blanks with the help of the words given. We must cross the road only at the zebra crossing. We should not run on the, हमें road पर हमें कहाँ पर नहीं रन करना चाहिए? सो स्टेयर्स पर. स्टेयर्स और प्लेइंग ग्राउंड. सो स्टेयर्स. वी मस्ट नॉट डैश एनीबडी इवन इन फन. वी मस्ट नॉट पुश. हमें किसी को धक्का नहीं देना चाहिए जब हम मस्ती भी कर रहे हों तब. व्हेन वी गेट अ स्मॉल वुंड वी शुड फर्स्ट वॉश इट विथ वाटर. हम जब हमें छोटा सा घाव भी हो जाता है तो हमें उसे पहले क्लीन वाटर से, पहले वाटर से क्लीन करना चाहिए उसे. Now take the activities we must do and cross the ones we must not. जो activities हमें करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए उसे हमें cross करनी है. So bus में क्यू में जा रहे हैं. बस चल रही है और आप एकदम से उतर गए. बस ड्राइवर को आप ऐसे उनके साथ खेल रहे हैं. सो ये सेकेंड और थर्ड वाली जो एक्टिविटी है वो हमें नहीं करनी चाहिए. Now true or false for statements. We should not play on the road. True. It is not dangerous to play with fire. False. फायर के साथ खेलना डेंजरस होता है और हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए. सो दैट इज़ ट्रू. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एमसीक्यू साइंटिफिक प्रैक्टिकल स्किल्स. अ चाइल्ड मे गेट इंजर्ड इन द प्ले ग्राउंड बिकॉज ऑफ रफ गेम. रफ गेम अगर खेलते हैं तो उसकी वजह से हमें इंजुरी हो जाती है. नाउ सेकेंड वन. द फर्स्ट एड बॉक्स मस्ट कंटेन एंटीसेप्टिक लोशन. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. हुम शुड वी इन्फॉर्म फर्स्ट इफ आर फ्रेंड गेट्स इंजर्ड इन स्कूल? टीचर. वी शुड इन्फॉर्म आर टीचर्स और एनी एल्डर इफ आर फ्रेंड गेट्स इंजर्ड. अगर हमारे फ्रेंड को लग जाती है तो हमें टीचर को या किसी बड़े को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए. वॉट इज फर्स्ट एड? आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड. जब एक्सीडेंट के बाद इंजर्ड पर्सन को पहली जो हेल्प मिलती है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. हाउ कैन यू अवॉइड एक्सीडेंट्स? हम एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? टू अवॉइड एक्सीडेंट्स वी शुड बी केयरफुल बी एंड अलर्ट. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर. हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमें केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए हर टाइम हर जगह. नाउ List two safety rules to be followed in the classroom. Do not jump on desk or run around in the class. हमें desk पर jump नहीं करना चाहिए और दौड़ना नहीं चाहिए. Always sharpen a pencil with sharpener. हमें pencil को sharp करना चाहिए sharpener से. Never use blade to sharpen a pencil. हमें blade का use नहीं करना चाहिए. Now third one. Ayush is sharpening his pencil with a blade. Riya stops him.
फ्रॉम डूइंग सो। आयुष जो है वो अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा है ब्लेड से और रिया उसे रोक रही है। नेम टू शार्प एज थिंग्स दैट आर डेंजरस फॉर चिल्ड्रन टू यूज विच वैल्यू इज शोन बाय रिया। सो नाइफ एंड ब्लेड आर टू शार्प एज थिंग्स दैट आर डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। नाइफ और ब्लेड जो है वो टू शार्प एज चीज़ें हैं जो कि डेंजरस है चिल्ड्रन के लिए। और रिया शोज कैरिंग एंड नेचर कैरिंग नेचर फॉर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। रिया जो है वो कैरिंग नेचर शो कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के लिए। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वॉट सेफ्टी रूल शुड बी फॉलो वाइल ट्रेवलिंग इन अ बस, राइट एनी फोर। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स वाइल ट्रेवलिंग इन अ बस। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस। हमें किसी मूविंग बस में अंदर जाना भी नहीं और बाहर भी नहीं निकलना है। नेवर डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। बस ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कीप क्वाइट इन द बस। हमेशा चुपचाप बैठना चाहिए। डू नॉट लीन आउट। हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमारे हेड को बाहर नहीं निकलना चाहिए। आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस, जब बस मूव कर रहे हो तब। डू नॉट स्टैंड इन अ क्यू। हमें हमेशा क्यू में स्टैंड इन रहना चाहिए। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल बोर्डिंग द बस। जब बस बोर्ड कर रहे हो तो उस टाइम पे क्यू में खड़े रहना चाहिए। नाउ सेकेंड वन, हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स इन द प्लेग्राउंड, डिस्कस एनी थ्री रूल्स। Always follow the rules in the game. We can avoid accidents the playground by following ways. Always follow the rules of the game. Game के जो rules है उसे follow करना चाहिए। Do not play rough games नहीं खेलना चाहिए। While playing it swings merry go round or the seesaw, do not push others. Wait for your turn. जब swings में खेल रहे हैं merry go round में seesaw में खेल रहे तो किसी को धक्का देना नहीं चाहिए। हमेशा अपने turn का wait करना चाहिए। Why it is important to keep first aid box at home and in the class? It is necessary to keep first aid box at home and in the class so that we can immediately provide first aid to an injured person. First aid जो है वो हम provide कर सके, जो injured person है उसे easily हम उसे दे सके। Now second one, choose the house that is safe and to move around, also give a reason. House A और house B, because house A उसमें जो pictures है वो सारी चीज़ें right place पर रखी हुई है इस वजह से। So here is a lesson number 2. Keeping safe. Your textual exercise question answers is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to learn next session. Bye bye. Take care. Have a joyful day. Have a wonderful day.